ABPS News। इसी के तहत हम आपको ABPS News टीम के साथ जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित गांव खेड़ की टप्पा नागल में लेकर चलते हैं। लगभग 1200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान संजीव कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 57 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण, खडंजा नाली निर्माण का कार्य भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 27 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 35 विद्युत पोल तथा 40 विद्युत पोल एवं 3 ट्रांसफार्मर लगवाने की सरकार से मांग है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। संजीव कुमार, ग्राम पंचायत खेड़की टप्पा नांगल। मुझे केंद्र सरकार जो राज्य सरकार ने राशि दी है, मैंने उसका सदुपयोग किया है। मेरा गांव अति पिछड़ा है। मैंने अपने गांव में दी गई धनराशि का वित्तीय वर्ष में उपयोग किया है और मेरे गांव में जो रोड हाईवे से गांव के लिए आती है वो खंडित है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मेरे गांव के रास्तों पर ध्यान दें और हमारे गांव को धनराशि दें। मैं हमेशा सदैव ईमानदारी एवं निष्ठा से अपने गांव में सुचारू रूप से लगाने का काम करूंगा और गांव वालों को हमारे गांव में इंदिरा आवास वित्तीय वर्ष में 2011 की सूची में नहीं दिए गए हैं। मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील है कि मेरे गांव को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास भी दिए जाएं ताकि मेरे गांव के लोगों की गरीबी दूर हो सके। बासिंदा हूँ खेड़की गांव का, खेड़की टप्पा का। नाम मेरा नाम राजपाल है और यहाँ के जो प्रधान है संजीव कुमार, उन्होंने विकास करा है गाँव में और मेरी सरकार से प्रार्थना है कि और विकास के काम पैसा देवो, विकास होगा, बढ़िया होगा।